एजाज खान के साथ मस्ती करते हुए नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला, हीना खान, गौहर खान और बाकी अन्य सदस्य। आखिरकार वजह क्या है, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। मैं आपको बता दूं कि एजाज खान पवित्र पुनिया से काफी खफा है और खफा रहने का कारण है नॉमिनेट करना। जी हाँ, एजाज खान को लगता है कि पवित्र पुनिया और एजाज खान के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी और इस दोस्ती में दरार लाने वाली खुद पवित्र पुनिया है जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया जबकि एजाज ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया था। और जिस तरीके से इम्यूनिटी टास्क को लेकर जब बुलडोजर वाला टास्क हुआ था और एजाज ने सिर्फ डराने के लिए बाल काटने वाली बात की थी और लेकिन उन्होंने उनके थोड़े से बाल जो है वो कट कर दिए थे कि लाइक टास्क में कुछ भी कर देने वाली बात, सिर्फ इसी वजह से जो है वो, और दूसरा काफी दोस्ती थी अच्छी की, तो इसकी वजह से उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एजाज ने देखा तो एजाज ने बहुत ही रूड बिहेव करना शुरू कर दिया है और उन्होंने काफी सारे उनको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की है, बहुत 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 ज्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन एजाज खान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही इस बात को लेकर घर वाले भी उनकी चुटकियां लेते हुए नजर आए। आखिरकार वही हो रहा है जो सलमान खान ने उन्हें कहा था कि घर वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर हीना खान, सिद्धार्थ शुक्ला, हर कोई उनका मजाक उड़ाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं हीना ने कहा कि भाई आपकी तकरार जो है वो खत्म हुई या नहीं हुई, तो हीना खान, सिद्धार्थ शुक्ला दोनों ही इस तरीके का कॉन्वर्सेशन की, लाइक यहाँ पर एजाज जो है वो सदमे में चले गए हैं क्योंकि उन्हें नॉमिनेट किया गया है, तो इससे का कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि एजाज खान जो है नॉमिनेशन को बहुत ज्यादा इमोशनली देख रहे हैं या आपको लगता है कि यार चलो ठीक है लेने दो अभी शुरुआत है धीरे धीरे जो है यूज टू हो जाएंगे? पहले आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।